पटना सिटी के बहादुरपुर में एक हॉस्टल की छत से दो नाबालिग बहनों को छत से नीचे फेंक दिया गया है। हादसे में एक बहन की मौत हो गई है जबकि दूसरी को घायल अवस्था में लोगों ने पीएमसीएच में भर्ती कराया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया है। लोगों का आक्रोश पुलिस पर टूट पड़ा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बहादुरपुर पुलिस पर लोगों ने जमकर पथराव शुरू कर दिया है। पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। इस हादसे में बहादुरपुर थाना प्रभारी, सुल्तानगंज थाना प्रभारी सहित एक दर्जन से अधिक पुलिस के जवान पूरी तरीके से घायल हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार बहादुरपुर से नजदीक एक हॉस्टल में उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली दो सगी, एक 11 वर्ष की और दूसरी जो थी वो 9 वर्ष की, वहां रहकर पढ़ाई करते थे। गुरुवार की शाम दोनों बहनों को अचानक छत से फेंके जाने की सूचना मिली। घटना के कारण का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। छत से नीचे फेंकने के बाद एक बड़ी बहन की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि दूसरी बुरी तरीके से घायल हो चुकी है। घायल नाबालिग बच्ची को लोगों ने इलाज के लिए पीएमसीएच तो भेज दिया है। दूसरी तरफ इस हादसे से लोग आक्रोशित हो उठे हैं और पुलिस पर जमकर पथराव किया है। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। लोगों द्वारा पथराव किए जाने के बाद से बहादुरपुर के थाना प्रभारी मोहम्मद अनवर खान, दरोगा सूर्यकांत हवलदार, प्रकाश ताप्ती, आश्री रवि रंजन, राम अवतार प्रसाद, ड्राइवर सूजन प्रसाद सहित सुल्तानगंज प्रभारी को भी बहुत ही गहरी चोटें आई हैं। लोगों का आक्रोश इतना जबरदस्त था कि समझाने पहुंची पुलिस पर जमकर पथराव किया है, बल्कि पुलिस की गाड़ियों सहित कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर डाला है। रामकृष्ण कॉलोनी आर के सुमन कोचिंग के पीछे एक मकान से 5 फ्लोर के ऊपर से दो बच्ची को ऊपर से फेंक दिया। फेंकने के दरमियान एक बच्ची का मौत हो गया और एक बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही है। फेंकने वाला पकड़ा गया है, उसके हाथ में चापर था। घटना बहुत ही भीषण है। हम लोग का मांग है कि उसको हम लोग के पब्लिक के बीच में दे दिया जाए, हम लोग उसका इंसाफ कर देंगे। कोई कारण पता नहीं चल रहा है। बच्ची छोटी छोटी बच्ची 10 साल 11 साल की बच्ची है। क्या हुआ पता नहीं चला। गायक ऊपर से छत पर से नीचे फेंक दिया, एक बच्ची डेथ कर गई, दूसरे बच्ची उस फ्लोर का आदमी भी नहीं है, बाहर का रहने वाला है, पता इस मोहल्ला में भी पता नहीं चल रहा है कहाँ से आया, क्या गतिविधि था, क्या उसका गतिविधि है, ये समझ में नहीं आया। अभी तो थाना में वो बंद है। हम लोग का मांग है कि उसको हम लोग के पास दे दिया जाए, हम लोग इनका इंसाफ कर देंगे। मकान मुन्ना जी का था, बच्ची रेंट पर रहती थी, उसके माता पिता रहते थे, फल व्यवसाय है, नंदलाल गुप्ता उनके पिताजी का नाम है, दो बच्ची उनका थी, दो बच्ची में एक बच्ची डेथ कर गई और एक बच्ची अभी मौत और जीवन से व्यस्त रही है। थाना में बच्चे पकड़ाया जो थाना में है, आप लोग उसका जरा स्टेटमेंट लीजिए कि कहाँ का है, क्या गतिविधि था, किसका हत्या करना किया आया था, क्यों आया था, ये सब आप जानकारी आप लोग मीडिया के माध्यम से लीजिए। थाना में पूरा प्रशासन आए हुए हैं। बहुत विपत्त घटना है, छोटे छोटे बच्चे, क्या बिगाड़ा था बच्चे ने, क्या बिगाड़ा था बच्चे ने, स्पष्ट कारण नहीं पता नहीं चल पाया, कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल रहा है। पुलिस एक्शन भी नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा प्रशासन, सारे पब्लिक यहाँ पर बैठे हैं, थाना को घेराव किए हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन प्रशासन उसको पकड़ के लेके, प्रशासन अभी किसी से बात नहीं कर रही है, कानूनी कार्रवाई नहीं, प्रशासन अपने अंदर उसको पकड़ के ले गए। अब क्या उसका कर रही है कोई जानकारी हम लोग का भी नहीं मिल रही। कितने साल की थी बच्ची? 10 साल 11 साल के, वो 13 साल की थी, छोटी बच्ची थी। नाम उम जानकारी है? नाम क्या था उसका? नाम उसका क्या है? सालू और सोलोनी। कितना प्यारा नाम था। आप अपना परिचय? मेरा नाम सतीश कुमार है, भैया का स्थानीय पार्षद हूँ।